हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पेपर क्राफ्ट वर्क लेकर आए हैं। आज पेपर फोल्डिंग से हम आपको फ्लावर बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें येलो चार्ट पेपर, रेड चार्ट पेपर एंड ग्रीन कलर का चार्ट पेपर। पेस्ट करने के लिए फेविगम का यूज पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। रेड चार्ट पेपर को एक स्क्वायर शेप से कट कर लेंगे। ओके, इस तरह के हमको 7 पीस चाहिए और अब इसको हम बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे। एक बार इधर से करेंगे और एक बार इधर से ऐसे हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब इस कॉर्नर को लेके यहाँ पे मिडल में ऐसे कर देंगे हम और इधर से भी ऐसे। ये हो गया हमारा। और फिर इसको सेकेंड फोल्ड, ये हो गया ना। अब इसको ऐसे हम टर्न कर देंगे और बीच से इसी तरह से हम अपने सारे पेपर को फोल्ड करके बना लेंगे। ओके, सारे पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फेविगम की हेल्प से इसको एक दूसरे में इस तरह से हमको पेस्ट करना है। ओके, लग अब हम लोग फेविगम की हेल्प से अपने सारे फोल्डिंग पेपर को इस तरह से एक दूसरे में अटैच कर दिए और येलो कलर के चार्ट पेपर से हम एक सर्किल कट करेंगे और इस तरह से बीच में पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट करने के बाद हमारा फ्लावर कुछ इस टाइप से दिखेगा। और ग्रीन कलर का जो चार्ट पेपर था, हमने आप लोगों को बताया था ना स्टिक बनाना, इस तरह से स्टिक बनाएंगे और लिप्स को कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डंडी को अटैच कर देंगे इस तरह से और इस डंडी में हम क्या कर देंगे, ये फ्लावर्स की लिप्स को पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम डंडी में अपने लिप्स को ऐसे पेस्ट कर दें। ओके, और फेविगम की हेल्प से हम इस स्टिक को भी यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना, बनने के बाद हमारा फ्लावर कुछ इस तरह से दिखेगा। दिख रहा है ना ब्यूटीफुल सा फ्लावर। फ्लावर बनाकर हमें ग्रुप में सेंड करिएगा। ओके।